सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली से सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रियंका गांधी का संदेश लेकर जाएंगे प्रमोद कृष्णम। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, इस समय की बड़ी खबर, पायलट से आचार्य प्रमोद कृष्णम मिलने वाले हैं। प्रियंका गांधी का संदेश लेकर प्रमोद कृष्णम पायलट से मुलाकात करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, खबर आ रही है पायलट से मुलाकात करने वाले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रियंका गांधी का कुछ मैसेज भी देने वाले हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से थोड़ी देर बाद ही सचिन पायलट के आवास पर प्रमोद कृष्णम मुलाकात करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के एडवाइजर के तौर पे जाने जाते हैं, साथ ही देखा जाए तो सचिन पायलट के भी सपोर्टर के रूप में जाने जाते हैं। जब भी सचिन पायलट बैकफुट पे जाते हैं तो लगातार उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में आज ये जो मुलाकात उनकी होनी है महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी का मैसेज लेकर के जाएंगे सचिन पायलट के लिए। तो सचिन पायलट को क्या कुछ संदेश दिया जाता है यह महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल लगातार पिछले दिनों बैठकों का दौर जारी रहा सचिन पायलट को लेकर के। जब सचिन पायलट अनशन किए उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आई, यहाँ तक कि जो प्रभारी रंधावा है उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला जो है सलटते हुए नजर आ रहा है। तो आज प्रियंका गांधी का जो संदेश होगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर पिछले दिनों जितनी भी बैठकें हुई किसी भी बैठक में प्रियंका गांधी मौजूद नहीं रही। यह माना जाता है कि प्रियंका गांधी हमेशा सचिन पायलट का सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो बैठक में जब नजर नहीं आई तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है सचिन पायलट पर एक्शन लेने के मूड में है। लेकिन विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, राजस्थान में भी है, ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार अपने हिसाब से सियासी चाल चल रहे हैं। तो आज प्रियंका गांधी का क्या क्वेश्चन दिया लेकर प्रमोद कृष्णम जाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, तो ऐसे में प्रियंका गांधी जरूर पुल की तरह काम करने वाली है राजीव। और क्या लगता है कि जो पिछली मुलाकातें हुई, चाहे वो कमलनाथ से हो सचिन पायलट की या किसी वेणुगोपाल से हो, उसका भी एक कहीं ना कहीं दम रहेगा और अब कोई रास्ता निकल जाएगा, साफ हो जाएगा रास्ता उनके लिए? देखिए, सचिन पायलट ने जो कदम उठाया, लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते रहे कि यह पार्टी विरोधी कदम है, आप अपने सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट नहीं माने, वह 11 तारीख को अनशन पर बैठे। उसके बाद सचिन पायलट ने अनशन समाप्त होने के बाद जो बयान दिया कि हम राहुल गांधी की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो रंधावा का बयान आया कि मुद्दा तो सही है लेकिन तरीका गलत है, पार्टी एक्शन इनके ऊपर जरूर लगी। लेकिन विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, तो पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको लगता है कि अगर ऐसे समय पर सचिन पायलट के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो जनाधार है या पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो उसको नुकसान पहुंच सकता है, गलत मैसेज आएगा। ऐसे में जो है अब बीच का रास्ता निकालने की कवायद चल रही है। तो आज जो मुलाकात आचार्य प्रमोद कृष्णम करेंगे तो इसमें देखना होगा कि प्रियंका गांधी चूंकि सचिन पायलट की सपोर्टर रही है, हमेशा उनको कहा जा सकता है उनका मनोबल बढ़ाती रही, तो ऐसे में उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के आने के बाद सचिन पायलट के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने वाली बात अभी है कि आगे इस पर अभी और आलाकमान क्या निर्णय लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पायलट से मिलने पहुंच रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रियंका गांधी का संदेश लेकर वो सचिन पायलट से आज मुलाकात करने वाले हैं।